अरे आपने देखी कांतारा, हर तरफ इस फिल्म के चर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस साल कई फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई के साथ ही क्रिटिक्स की सराहना भी हासिल की है। इनमें केजीएफ चैप्टर 2, जेम्स, विक्रांत रोना और 777 चार्ली जैसी फिल्मों का नाम है। और जी अब इस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं बात कर रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ा फिल्म कांतारा की। कांतारा ने IMDb की इंडियाज करंट टॉप 250 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर ली है। फिल्म ने इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है जिसमें रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, कमल हासन की नायकन और अम्बे शिवम, सूर्या की जय भीम, आमिर खान की 3 इडियट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेटिंग होती कैसे है, नंबर 1 पोजीशन कैसे मिली। तो सुनिए, फिल्मों की रैंकिंग IMDb की वेबसाइट पर मिले वोट्स के बेसिस पर की जाती है। IMDb टॉप 250 एक तो फैंस द्वारा सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों और हाईएस्ट रेटिंग वाली इंडियन फिल्मों की एक लिस्ट है। ये लिस्ट हाल ही में 17 अक्टूबर 2022 को अपडेट हुई है जिसके अकॉर्डिंग कांतारा ने सबको पछाड़ टॉप पर जगह हासिल की है। 30 सितंबर को रिलीज होने के बाद से कांतारा धमाकेदार शानदार साबित हुई है। लास्ट वीक फिल्म के डब्ड वर्जन्स तमिल, तेलुगु और हिंदी भी रिलीज हो चुके हैं और अब फिल्म का मलयालम वर्जन भी थिएटर्स में आने के लिए तैयार है। फिल्म के निर्देशन के साथ साथ ऋषभ शेट्टी ने फिल्म में अहम रोल भी निभाया है। पिछले 4 दिनों में इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। तेलुगु राज्यों में फिल्म पहले 3 दिनों में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन करके और भी बड़ी हिट रही है। कांतारा कर्नाटका में पहले से ही हिट है जहां फिल्म ने 60 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। इस फिल्म के जरिए ऋषभ ने एक फोक टेल की री इमेजिनेशन की है जिसमें कोस्टल कर्नाटका की भूत कोला स्पिरिट वर्शिप की परंपरा पर ध्यान खींचा गया है। अगर आप देख चुके हैं कांतारा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ, एंटरटेनमेंट की करेक्ट वाइब ओनली ऑन ENT Live।